से हम आज युग आदि हमारे युग का आरंभ जिस दिन से हुआ उसे चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि कहा जाता है। आज थोड़े लोगों ने युग आदि मनाई और काल के प्रमाण के अनुसार आज लक्ष्मी प्रजापति की 60 बेटियों को इस वर्षों के नाम से जाना जाता है, जो कि हम देखते हैं हमारे काल का परिमाण में 60 सेकंड से एक मिनट होता है। 60 बजे का 60 ऐसे ही 60 साल को षष्ठी भूति का है। एक पूर्ण जीवन को जो बुढ़ापा आने से पहले भी अपने संसार में करता अपनी अपने कार्य करने की क्षमता रखता है, जिसका प्रमाण 60 साल का है। जो अपने शरीर से कर्म करते हुए जी सकता है वो 60 साल का प्रमाण का है। तो उसको उसने अगर षष्ठी भूति 60 साल पूर्ण कर लिए तो उसकी षष्ठी भूति की जाती है। कर्म के इसके आगे करने के लिए जो काल कहा गया है वो भगवान का दिया हुआ आगे का प्रमाण का है। हम आज के दिन 60 साल के पूर्ण होने के लिए प्रार्थना करते हैं। 60 साल पूर्ण होने पर प्रार्थना करते हैं कि हे काल, तुम हमें इस प्रकार की आयु वृद्धि आयुष्य प्रदान करो कि हम काल की गणना कर सकें। जिसने काल की गणना की, जिसने काल को अपने ऊपर से काल को समझा, काल के ऊपर प्रमाणित किया, काल के बारे में ज्ञान रखा, वो संसार का सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। जो काल को जिसे टाइम पास कहते हैं, टाइम पास करना नहीं, टाइम तुम्हें पास करता है, टाइम के मतलब टाइम को पास नहीं कर सकते। काल क्षय का अर्थ होता है कि काल को क्षय कर लेगा, तुम्हें कह सकते हैं काल को क्षय कर लेगा। काल तो तुम्हें आज का दिन चले गए लेकिन तुम्हारी आयु में एक दिन चला गया। काल तुम्हें क्षय कर रहा है, तुम काल नहीं। इसलिए उस काल के ज्ञान को, काल की शक्ति को हमें पहचानना चाहिए और उसे पहचानने के लिए हमारे ऋषियों ने एक पंचांग का निर्णय किया कि हम सूर्य चंद्र इसके ऊपर दिन प्रमाणित होता है। सूर्य का उदय हुआ, उसका अस्त हुआ, उसके दिन का गया है और सूर्य अस्त से लेकर सूर्य सूर्योदय तक रात का गया है। इसमें भी चंद्र भगवान भी है, जिसके 15 दिन तक अपनी कलाएं देते हैं और 15 दिन कलाएं क्षीण होती है, जो पूर्णिमा और अमावस्या के को। तो इनके साथ उन्होंने कालगणना की। कालगणना केवल अपने पास ही नहीं है, कालगणना किसी भी राज्य कहीं भी उसके भी भाषा में हो, केवल अपनी ही दैवी देवी को वो लोगों ने अपनाया है। चाहे मैंने जिसमें कहा कि आप लोग रविवार कहते हैं जगदेश्वर संडे कहते हैं, संक्रमण को उन्हें सूर्य मंडे कहते हैं, मून मंडे तो वो लोग सोमवार ही कहते हैं, मंगलवार को ट्यूजडे ही कहते हैं, सैटर्न को शनिवार को शनिवार ही कहते हैं। तो उन्होंने भी अपनी कोई अपनाया है, चाहे वीक हो, चाहे हफ्ता कहते हैं या इतवार कहते हैं, गुजरात कहते हैं, जुम्मे बाजार इसी इन विषय में वर्ग को हमारे बात के साथ जुड़ा गया। बिना सनातन धर्म की इस कार्य की प्रक्रिया को किसी ने भी प्रमाणित करके दूसरे काल में नहीं किया, यही बात यही तिथि यही नक्षत्र दिया गया है। तो इसलिए इस काल प्रमाण को हम नमस्कार करते हुए, इन ऋषियों ने इस काल प्रमाण को निकाला, उन ऋषियों को नमस्कार करते हुए, उन देवताओं को नमस्कार करते हुए आज युग के आरंभ के दिन हम उस काल का नमस्कार करते हैं। काल के पंचांग है, जैसे हमारे पंच महाभूत है, हमारे शरीर पंच महाभूतों से तैयार हुआ है, उन पंच महाभूतों से पंचांग तैयार हुआ है। जैसे आज की तिथि क्या है, आज का वार क्या है, आज का नक्षत्र क्या है, आज का योग क्या है, उसको तरण क्या है, क्या करना चाहिए, इस प्रकार की चीजों को पंचांग बता गया है। हर एक वृक्ष को भी पंचांग बोलते हैं, जैसे मूल जड़ पत्ते फूल और पान फल, इसको उसका उसका पंचांग कहा गया है। हमारे शरीर में भी पंचांग है, पंच महाभूतों का पंचेंद्रिय है, पंचांग है, पंचगुण है, हम भी इन्हीं पंचांगों से हुए, तो इसका काल के साथ संबंध है। इसलिए हमारे ऊपर जो प्रभाव काल डालता है इसको ज्ञान प्राप्त करने के लिए पंचांग को आज के दिन सुनना चाहिए। पंचांग को आज के दिन सुनने से कहा जाता है कि हमारे ऊपर काल का दुष्प्रभाव नहीं होता, खराब प्रभाव नहीं होता। इसलिए हम आज पहले पंचांग में देव गणेश जी का स्मरण करते हुए पंचांग को सुनेंगे। जैसे मराठी में कहा गया है, हम संस्कृत की तुलना में लिपि को प्रचलित करने वाले हैं, पहले जाते
मिथ्या के अनुसार जैसे भगवान बसाए ब्रह्म वाणी इसका अर्थात पद श्री गणेशाय महाश्री सरस्वती महा संवत्सरभरम सदे दुर्वदनो देव उत्पादक स्मरण वासनमयोतम साम राशि नाटी विधान प्रारब्धि श्री केदारनाथ स्मरण के लिए अर्थात सूर्योदय होता ज्या प्रमाणे दिव्य समूहांचा नाश होतो त्या प्रमाणे सर्व विज्ञानचा नाश होतो तो सिंधुद्वंद के उत्कृष्ट पावत आहे तत्वा अभिप्रेता महाविष्णु शिवाज कुमार संवत्सरभरम पक्षे सर्व कामात सिद्धे सर्व कार्याची सिद्धी होण्याकरिता श्री ग्रंथी ब्रह्मा विष्णू महेश्वर यांचा मेरे पुष्प मीठ गोवा साखर यांच्या सगळ्या पुष्पासही परमिपाच्या कोळ्यापासून हेतू तुमचे अरुण रोग शांती
पंचांग के अनुसार तिथि नक्षत्र योग और तरण वार इन पंचांगों का नित्य हम पाठ करने से हमारे कुछ हमारे शरीर में नित्य होने वाले जो कोई भी लोग आने से पहले इसका ज्ञान प्राप्त होने से पंचांग का श्रवण नित्य करना सुखता रखा गया है। पंचांग के श्रवण से आज कौन सा योग है, इस योग में कौन सा काम करना चाहिए न देना चाहिए, इसका ज्ञान होने से मनुष्य स्थिति को प्राप्त करता है और कार्यों को अपने होते हुए देखा करता है। हम इस समय ये वर्ष हेमनंदी नाम का वर्ष था, इसका नाम ही हेमनंदी दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं में एक 31वीं कन्या है और 31वीं कन्या 60 कन्याओं में 31वीं कन्या है, जिसके कारण आधा इधर और आधा इधर बीच का ये वर्ष है, 60 वर्ष में का बीच का वर्ष है, इसे तुलामान वर्ष कहा गया है। तुलामान का वर्ष होता है इधर के 30 वर्ष और 31 वर्ष का बीच का साल, इसे हेमलंबी कहा गया है। इस हेमलंबी कन्या की विशेषता यह है कि यह 12 राशियों को 6 राशियों को एक तरफ 6 राशियों को एक तरफ और 27 नक्षत्रों में बीच के 24 में 12 में 3 राशियों को एक तुला राशि में लेकर तुला में लेकर बैठती है, इसलिए इस राशि को हेमलंबी राशि कहा गया है। शास्त्रों के अनुसार जैसे हमारे पास उत्तरायण और दक्षिणायन है, अमावस्या और पूर्णिमा है, उसी प्रकार इसमें भी 60 सालों में 30 साल जो गुजर गए उसमें कितना भी अच्छा हो या बुरा हो ग्रह चाहिए ठीक रहे ना रहे फिर भी तुला राशि से लेकर मीन राशि तक के ग्रह अपने अपने स्थानों का फल भोगते हैं और अच्छा फल भोगते हैं। इस हेमलंबी समस्या के बाद मेष राशि से लेकर कन्या राशि तक के लोगों को राशि ग्रह किसी भी तक रहे उनको फल अच्छा ही मिलता है, यह 21 साल का फल है। तो इनके लिए क्या करना चाहिए, जब आपके ग्रह ठीक ना हमारी अनुकूल का प्राप्त ना हो तब पंचांग के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, हम किस राशि में हैं और किस तरह का करना है, प्रयत्न कर रहा है कि हम इसके बारे में देखिए कि लोगों को किसी प्रकार के ग्रहों द्वारा राशियों द्वारा देवताओं द्वारा या किसी पाप या कर्म के द्वारा दुष्फल मिलता है, दुष्फल को किस प्रकार का निवारण करने से क्या फायदा होता है, इसलिए हमने इसका नियुक्त किया। भौम इस पंचांग में इसको श्रीमण भी हम समस्तर का राजा भौम है, मंगल है, मंगल भूमि का पुत्र है। तो इस बात को इस वर्ष में याद रखना चाहिए, अपने भूमि यानी माता को कष्ट पहुंचाने वाले, जैसे बार बार बोरिंग डालने वाले यानी माता को छेद करने वाले, बार बार जमीन को खोद कर देखिए बात करने वाले, आप फल के लिए भूमि खोदो कोई बात नहीं, कहीं धरती के खोदे हैं, खड्डों के लिए खोदे हैं, ऐसा करने वाले के लिए भौम बहुत दूर है, अपने माता को कष्ट होते हुए वो सहन नहीं कर पाते, इसलिए ऐसे कार्य को कम करना चाहिए। ऐसे कार्य पद्धति से वो राजा होने के कारण शिक्षा तरीका लिखा नहीं मिलता है, कहता है कि मेरी माँ पुत्री है उसको कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए, वो अंगीरा तत्व का अभी तत्व का रहने के कारण हम उसके राजा को प्रसन्न करते हैं तो हमारे सारे ग्रह प्रसन्न होते हैं। तब उसके लिए क्या करना चाहिए कि नित्य स्नान करने के बाद इस हेमलंबी नाम संवत्सर में होम मंगल को प्रीति से सिंदूर का तिलक करने कर लेने के बाद 11 बार स्नान करते ही कोई आसन बैठे स्नान करते ही जिसके स्नान बाद उसे बना रहते हैं तब इस मंत्र को करना चाहिए, ओम क्राम क्लीम क्रम सौ होमाय नमः। हे राजा तुम्हें नमस्कार करके हमारे यहाँ से पृथ्वी पर कोई गलती ना होने दे, कोई गलती करने का कार्य हमारे से ना होने दे, अकारण भूमि को खोदना, अकारण कोई भूमि को कष्ट पहुँचाना इन होम को पसंद नहीं है, वो वैसा करने वाले को शिक्षा प्रदान करता है क्योंकि वो राजा है, इस बात का ध्यान रखें। इस बार हम भूम मंगल राजा रहने के कारण एक बार स्वामी विश्वानंद जी ये भी महात्मा हो के गए, संत हो के गए, कलकत्ता में एक बार बैठे हुए थे तो उनको यह पूछा गया कि प्रभु ये साल हेमलंबी नाम का वर्ष है और इसकी विशेषता क्या है, कि हाँ क्या करते हैं। तो विश्वानंद जी ने कहा कि इसी वर्ष कृष्ण गरीब हो गए, बलराम गरीब हो गए, एक बार रुक्मणी अपने मथुरा में बैठे बैठे एक क्षुद्र जाति का व्यक्ति घर में रंगोली करते हुए लक्ष्मी की पूजा कर रहा था, उसने रंगोली उन्हें सब डाली केवे थे उन्हें सब रखा, तो रुक्मणी लक्ष्मी थी इसलिए भागते हुए उस क्षुद्र के घर गई और उसको उसका दिया उसका आशीर्वाद दिया और केवे भी ग्रहण कर दिया है। तब तक कृष्ण और बलराम सब घर के लोग प्यार करने की रुक्मणी कहाँ गई,
फिर उनको पता चला कि उनकी शुरू से ठीक रखी गई, तो उसको घर में आने ना दे दरवाजा बंद कर दिया गया। उसने कहा तू मुझे घर का दरवाजा नहीं आया, मैं घर की हूँ, मैं लक्ष्मी मुझे घर में आने नहीं देगा, इसलिए मैं आज तेरे पास से निकल जाती। जैसे ही लक्ष्मी चले गई, कृष्ण को खाने खाने के लिए जाने के लिए भी उसने बोला, बलराम को खाना नहीं, उस सिपाही ने गाय गाय दो देना मन। फिर कृष्ण कह रहे कि ये हुआ क्या, तुम ये रुक गई लक्ष्मी रुक गई। तब कृष्ण ने कहा उसको ही इतना गर्व है तो मुझे क्या लगे, चल बलभद्र भैया हम अपने बहन के पास जाएंगे, जो बहन उड़ीसा में रहेगी। वो बाहर एक टिप्पणी में रहती जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथपुरी कह रहे थे वहाँ उसका ससुराल था बहन वहाँ रहती। तो दोनों निकले तो रथ पर रथ पर बैठ कर जा रहे थे, तो घोड़े घोड़ों खाना नहीं मिला, घोड़े बूढ़े हो गए, घोड़ा घोड़ा चलना बंद हो गया। फिर थोड़ी दूर के रथ टूट गया। अब कृष्ण और बलराम जा रहे थे कॉफी जा रहे, कोई उनको पहचानने के लिए नहीं जा रही। समुद्र के किनारे किनारे चलते हुए आगे जाली पड़ गई, पूरे फटे कपड़े हो गए, पूरी रुक गई है। वो आते आते बस मुली में आ गए और जैसा ही समुद्र के तट पर आए उन्होंने पूछा कि सुभद्रा बहन हम आए हैं, तो भैया ये क्या हाल बना के रखा है, हम तुझे बाद में बता दें, पहले घर को ले जाए पूछ लीजिए।